सिटीजन ऑफ काइंड ये एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमेजोन प्राइम पर हिंदी में रिलीज हुई और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूँ। तो क्या खास है इस फिल्म में, आपको इस फिल्म को अपना टाइम देना भी चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप इस फिल्म में देखेंगे किम की कहानी जो अपनी लाइफ के बुरे वक्त से गुजर रही है। ऐसे में किम को एक बैंक की तरफ से लोन ऑफर आता है, लेकिन किम को एक बड़ा झटका उस वक्त लगता है जब उसको पता चलता है कि उसके साथ लोन के नाम पर एक बड़ा स्कैम हो चुका है। और फिर उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा, तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि ये फिल्म इंस्पायर्ड है रियल इवेंट से, जो कि इसे एक डिसेंट क्राइम कॉमेडी फिल्म बनाती है। इस फिल्म की कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी एंगेजिंग है और उसकी बड़ी वजह इस फिल्म की मेन कैरेक्टर किम है, जो रिलेटेबल और लाइकेबल कैरेक्टर है। और जब उसके साथ स्कैम हो जाता है तो फिर आप उसे एज अ ऑडियंस उसके लिए थोड़ा बहुत सैड फील करेंगे। और जब वो खुद उन स्कैमर्स को ढूंढने निकल पड़ती है और किम की ये जो पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी, उसमें आपको कुछ डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिल जाएंगे और कुछ फनी और दिल छू जाने वाले मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। बाकी किम के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट सरफेस लेवल तक ही रखी गई है और कुछ कैरेक्टर्स इस फिल्म में फन टू वॉच हैं, लेकिन उनमें आपको डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, फिल्म का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ अच्छा है। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम बेस्ड मूवीज देखना पसंद आती हैं तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। और आप चाहो तो ये फिल्म फैमिली के साथ भी देख सकते हो, लेकिन आपको इस फिल्म में ब्लड और वॉयलेंस देखने को मिलेगा और थोड़ी बहुत अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखते हुए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7/10। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और रिव्यूज देखते रहने के लिए।